वेलकम टू लव स्टडी थिंक लोकल वर्ल्ड ग्लोबल। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में थ्री फेज या एवीवी लोको में पीटीडीसी या सीसीबी ब्रेक सिस्टम वाले लोको में कैप चेंज करने के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखें। सीसीबी ब्रेक सिस्टम वाले लोको में कैप चेंज करना। इन वर्किंग कैप में पहला ऑटो या A9 हैंडल को FS पोजीशन पर रखें और लॉकिंग पिन की सहायता से लॉक करें। दूसरा पॉइंट, मोड सिलेक्टर स्विच को लीड से ट्रेल पोजीशन पर करें। तीसरा पॉइंट, अब लोको को सेल्फ होल्ड मोड में रखकर अर्थात BL की को D से ऑफ करके निकालें तथा कैब को चेंज करें। इन नॉन वर्किंग कैब मतलब नॉन वर्किंग कैब में जिस कैब को एक्टिव करना है, पहला BL की को ऑफ से D पोजीशन पर करें तथा सेल्फ होल्ड मोड से नॉर्मल मोड में लोको को लाएं। दूसरा पॉइंट, 5 सेकेंड वेट करें, फिर मोड स्विच को ट्रेल से लीड पर लाएं। तीसरा पॉइंट, ऑटो या A9 हैंडल को अनलॉक करें एवं BP चार्ज करने के लिए FS से रन पर लाएं और नॉर्मल कार्य करें। ध्यान रहे, जब दोनों मोड सिलेक्टर स्विच लीड या ट्रेल स्विच, लीड या लीड टेस्ट या लीड HLPR पर होंगे तब फॉल्ट कोड 108 प्रदर्शित होगा। जब इन एक्टिव कैब का ऑटो या A9 हैंडल इमरजेंसी में होगा तब फॉल्ट कोड 14 आएगा तथा A9 हैंडल को FS पर रखने पर फॉल्ट कोड चला जाएगा। लीड या ट्रेल स्विच की पोजीशन चेंज करते समय लोको की स्पीड 0 और ऑटो या A9 हैंडल FS के स्थान पर होना सुनिश्चित करें। अगला पॉइंट, यदि A9 हैंडल FS पर नहीं है और ऑपरेटर लीड या ट्रेल स्विच की पोजीशन को चेंज करता है तो पेनाल्टी आएगी। उसे रिकवर करने के लिए LCD स्क्रीन पर आए मैसेज का फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।